फ्रेंड्स, अभी ना रोज़ा खुलने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम है अभी तो खैर। एंड देवी को ना मैंने देखिए नहला धुला कर रेडी कर दिया, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद मैं इसका कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। मम्मा मम्मा कैसी हो जाती है, मम्मा आलसी हो जाती है देवी की। हाँ तो अभी ना अपनी चिप्स खा रहे, इंजॉय कर रहे हैं वो आराम से। फ्रेंड्स ऑफ साल खुशा वाली वेलकम टू माई अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ ना कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ ना आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपकी तिलावत नमाजें बहुत अच्छी जा रही हैं और अल्लाह इन सबको सेट कर रहा हो। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना अराउंड 15-20 मिनट्स ना रोज़ा खोलने के लिए मैं रोज़ा बना के रेडी हूँ। जब सो गया था ना तो आज मैंने जल्दी रोज़ा बना लिया। एंड अभी ना मैं थोड़ा छत पे आई थी, मैंने कहा 5-10 मिनट्स ना थोड़ा सा टहल लेते हैं एंड फिर बस अपना रोज़ा खोलेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे एंड फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी ना कुछ डिसाइड नहीं करा है कि आज क्या बांटने जाना है, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ तो जाना ही है, मैं जाऊँगी ही बाद में एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ना अफ्तारी मैंने बना लिया, आपको नेक्स्ट सेकंड दिखाती हूँ क्या बनाया। वही नॉर्मल डेली वाला बनाया मैंने, आलू की भजिया बनाई है, प्याज की भजिया बनाई हो, अंडे की भजिया बनाई हो, पापड़ फ्राई करने मस्त, क्योंकि इतना इनफ है, मुझसे ये भी नहीं खिलता है मैं सच बताऊँ। दो चार मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि बना लो तो बस बना लिया है। अभी ना आपको पहले दिखाती हूँ। मौसम देखिए ना कितना अच्छा हो गया ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड साथ ही साथ ना अभी इतने टाइम ना रोज से सारे बच्चे ना अफ्तारी ले लेकर जाते हैं या बाकी लोग जो हैं वो नमाज के लिए जाते हैं। तो मैंने भी ना अफ्तारी भेज दी है मस्जिद एंड अब बस मैं फ्री हूँ। मुझे बस 15-10 मिनट्स अच्छे से ना वॉक कर लेना है एंड फिर ना हम अंदर चल लेना। वाह, अगर तुम रोज़े रख लो ना तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। मुझसे पूछो, मेरे पैर इतने दर्द हो रहे हैं मुझे पता है। तुम भी कर लो, मैंने पता भी एक वीडियो देख रही थी, पता क्या उसमें पता क्या बता रहे थे कि 15 दिन के अंदर ना अगर आप रोज़े रखते हो तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है उस चीज़ को एंड उसके बाद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना अपनी बॉडी के वो सारे रिमूव हो जाते हैं एंड अपन लोग पहले से भी ज़्यादा एक्टिव फील करने लगते। तो तुम ऐसा करने की सोच रहे हो? सोच लो ना थोड़ा सा। लेकिन मौसम अच्छा हो गया ना भाई, हाँ मेरे जैसे रोजगारों के लिए कि हमारे हमें प्यास ना लगी। एंड पता आज नहीं लगी, आज मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी, या शायद बॉडी ना अडेप्ट करती जा रही। एंड अभी देखिए चांद दिख रहा है, लेकिन ईद वाले दिन ना ये आपको बहुत मिनीचर सा दिखेगा। फ्रेंड्स ये है ना मेरी डेली वाली अफ्तारी और मेरा डेली वाला अफ्तार एंड रोज़ा खोल के बिस्मिल्लाह। मुझे जब मम्मी पापा इतना प्यार करते योगा रखने पर, तो अल्लाह ताला तो 70 माओ जितना प्यार करते। तभी जो भी योगा रखते उसके दुआ हाल कबूल होते। सो फ्रेंड्स अभी ना रोज़ा खोल लिया है एंड अभी मैं आई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड आप लोग से ना एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी, अगर आप लोगों को ना हेडेक होता है रोज़ा खोलने के बाद, तो अगर आप लोग कोई भी शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं जैसे रुआबसा या नींबू पानी या लस्सी, तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल तीनों रोज़ों में मैंने अवॉइड करा है एंड इससे मुझे ना काफ़ी बेटर भी फील हुआ है कि मेरा जिस टाइप का हेडेक होता था वो नहीं हो रहा है। एकदम से शुगर स्पाइक होते हैं ना तो हेडेक होता है, तो इसलिए। बाकी ये चीज़ें लगती तो बड़ी मज़े की हैं एंड अच्छी भी लगती हैं रोज़े में, मैं भी पहले बहुत बनाती थी तो, लेकिन अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कैलरी कॉन्शियस भी हो रही हूँ कहीं ना कहीं एंड साथ ही साथ मेजर जो है वो मेरी हेडेक की प्रॉब्लम है। तो अब मुझे फ़िलहाल रोज़ा खोलने के बाद कोई हेडेक नहीं हो रहा, सिर्फ खजूर और पानी से मैं रोज़ा खोल रही हूँ, कोई ऐसी ड्रिंक्स नहीं ले रही हूँ। हाँ खैर बाद में 2-4 घंटे बाद में लस्सी पीती हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है एंड इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा जाएगा। तो अपना नमाज़ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ना मेरे मगरिब की भी नमाज़ हो गई है, तो अभी ना बस वाइंड अप करते हैं एंड अपना आगे का काम देखते हैं कि क्या करना है।
जरवी को ना मैंने सलाह दिया था। तो आज ना फ्रेंड्स मैंने लेस के और कुरकुरे के बहुत सारे पैकेट्स मंगा लिए थे एंड आज ना हमने वो जाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सभी रोज़ा खोलने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद और चीज़ें करने के बाद मैं घर की बिरयानी कबाब ही ना क्या मुझे दोपहर में लेकर आया था, अपने दिल से खा लेते हैं, भूख लग गई है। सो फ्रेंड्स अभी ना मैं आ गई थी किचन में एंड अभी ना मैं बनाने वाली हूँ आज बर्गर। एंड यहाँ देखिए ना मैंने प्याज, गार्लिक और मिर्ची और धनिया रखा है काट के। यहाँ मैंने मटन का कीमा ले लिया है पीस के एंड इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और काली मिर्ची ऐड करेंगे। उसके बाद ना एक अंडा ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ना मैंने थोड़ी सी मिर्ची ली हुई थी लाल वाली जो ड्राई होती है उनको कट करके ना पानी के अंदर रख दिया था कि वो थोड़ी और एक्टिवेट हो जाए एंड फिर वो वाली मिर्ची हम इसमें डालेंगे। एंड इस पूरे सामान को ना अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हाँ बस जब प्याज वगैरह हमने जो ऐड करी है इसका हम पानी पहले हटा लेंगे वरना ना बहुत सारा प्याज अपना पानी रिलीज़ कर देती है जिससे पैटी टूट सकती है। इस तरीके से मैंने पहले राउंड राउंड बॉल्स बना ली फ्रेश रैप में। हल्का सा अपना हाथ में ना ऑयल लगाए रहे कि ना आपको मिर्ची ना लगे हाथ में एंड उसके बाद ना ऐसे करने के बाद फॉइल में इसको अच्छे से हमें बंद करना है एज अ पैटी बना के। एंड उसके बाद जब आपकी ना पूरी ऐसे पैटीज बन जाए इस तरीके से लॉक करेंगे ना मोड़ मोड़ के कि कहीं से ना पानी इनके अंदर ना जाए एंड ये ना अच्छे से कुक भी हो जाए। आप चाहें ना तो ऐसे पैटीज बना के अपने फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं फॉर अ वीक। एंड उसके बाद ना ये देखिए इनको ना मैं बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद ना हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई, डीप फ्राई, जैसा भी आप पसंद करें। एंड उसके बाद ना आप इन्हें ऐसा कबाब भी खा सकते हैं और रमज़ान में भी अफ्तारी में खा सकते हैं। एंड उसके बाद ना आपको अगर बर्गर में या किसी बंस में डाल के खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं। हर चीज़ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये ऐसे कबाब। इनमें ना कोई दाल वगैरह ऐड नहीं होती लेकिन जो पैटी का इनका फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो आप ना ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स अपने कबाब साफ कंप्लीट करके ना मैं आ गई थी ऊपर नमाज पढ़ने के लिए एंड यहाँ देखिए जैवी ना कितना परेशान करता है ना। ये वीडियो अख्तियार ने रिकॉर्ड करी थी दिखाने को कि जैवी पूरा टाइम लेकिन ऐसे ये भी रहता है ना फ्रेंड्स, मैं इसको भी देखती रहती हूँ एंड नमाज भी पढ़ लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी ना मैं थी किचन में एंड ये देखिए हाँ मैं बना रही ना अभी के लिए पास्ता। एंड आज ना डिनर में मैंने आपको दिखाया था ना बर्गर की प्रिपरेशन करी थी, तो ये देखिए यहाँ ना ये मैंने जो भी उनको बॉईल करा था ना पैटीज बनाकर मैंने इनको ना हल्का हल्का से शैलो फ्राई कर लिया था फिर, लेकिन अभी जब बम में रखूँगी ना तो एक बार और थोड़ा फ्राई करूँगी। थोड़ा बर्गर का सैलेड भी काट लिया लेकिन अभी फ़िलहाल मन नहीं है खाने का, तो अभी ना हम इसे रख देते हैं ढक के, इसको ना मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो अभी ना बस जल्दी से जल्दी से ये बन जाते हैं फिर ना मोटर चलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी ना मैं सोच रही थी बर्गर अभी ना बनाऊँ लेकिन मैंने सोचा ना एक बना लेती हूँ खा लेती हूँ। पता नहीं मुझे ना बड़ी नींद आ रही है आज, आई डोंट नो व्हाई, या शायद थोड़ा सा टाइट हो गया हूँ तो बस ऐसा लग रहा है ना कि सो जाओ, तो मैंने सोचा ना एक अपना करके खा लो क्योंकि जब मैं लेटूँगी ना मुझे नहीं पता मैं मुझ फुर्ती भी बनेगा कि नहीं, तो मैंने कहा ना बस जल्दी से एक कर लेते हैं खा लेते हैं फिर देखेंगे। नॉर्मल प्लेन बर्गर जो रेडी, मुझे ना कोई सैलेड अच्छा नहीं लगता ना ही कोई सॉसेस, मुझे बस ऐसे प्लेन खाना अच्छा लगता है क्योंकि अंदर मैंने पैटी में प्लेन इन्ग्रीडियंट्स डाले मुझे उनका टेस्ट है, इसलिए मैं अल्लग से कुछ ऐड नहीं करती। तो बस ना जल्दी से पास्ता और हो जाए फिर ऊपर चलते हैं, इसलिए ना पास्ता भी रेडी हो गया बर्गर भी, तब ना जल्दी फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए जैवी ने ना पैकेट पे से खाना सीख लिया, बिना इसमें थोड़ी सी चिप्स बची हुई थी, तो देखिए कितनी क्यूटली ना अंदर हाथ डाल रहा था फिर निकाल के खा रहा था, मतलब ये भी एक माइलस्टोन है। अब तक ना लेता था और फेंक देता था फ्रेंड्स, लेकिन अब देखिए फाइनली इसमें से निकाल के खा रहा है सो स्वीट ना माशाल्लाह।
सो फ्रेंड्स, अभी ना आप लोग देख पा रहे हो मेरा किचन टॉप जो कि अभी पूरा मैसी है क्योंकि अभी मेरा सैली का टाइम एंड मैं आज सैली में बना रही हूँ बर्गर्स। एक बर्गर मैं बना के पहले खा चुकी हूँ एंड अभी ये बाकी के बना रही हूँ तैयार किए और मेरे लिए। तो साथ साथ ना मेरे यहाँ पे बर्गर टॉस भी हो रहे थे, ये देखिए कितना परफेक्टली टॉस हो गया। तो अभी इसको भी ना अलग से रख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ना इसको ना जल्दी से सेटअप करते हैं। या ना मैंने मेयो लिया है, कैचअप लिया है, इसमें ना थोड़ा सा हिंट के लिए मैं चिली ऑयल ऑर्डर ऐड करूँगी ऑर्डर के, कभी कभी क्या हो जाता है भाषा को, थोड़ा सा ही ऑर्डर करूँ इनफ अच्छी सी सॉस कर दी मैं बर्गर वाली। सो फ्रेंड्स, यहाँ करते हैं अपना बर्गर अच्छे से। तो पहले मैं सॉस लगा रही थी, ये ना पहले मैं तैयार के लिए बना रही हूँ। तो पहले सॉस, बहुत सारी सॉस, मैं कहीं ऊपर वाली में कहीं लगा थी नहीं, मैं हर बार ही बर्गर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं एक दो कमेंट्स पे गई पिछली वीडियो पे, तो दो चार लोग बोल रहे थे ना मास पढ़ते हो तो क्यों दिखाना। तो मैंने एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या जो लोग एक दूसरे को रोस्ट करते हैं या जो डांस की वीडियो डालते हैं, जो सिंगिंग की वीडियोस डालते हैं, तो उन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता यार? हाँ, नमाज देखकर आपको क्या बुरा लग सकता है, मुझे ये बताइए। आपको क्या ये रियलाइज़ हो गया कि आप नहीं पढ़ते हैं, या कुछ और ऐसा कुछ रियलाइज़ हो गया? बिकॉज़ मेरे हिसाब से नमाज जैसी चीज़ तो मुझे अब लगा है कि मुझे और दिखाना चाहिए। या शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो भैया व्लॉगिंग भी कर रही है, साथ साथ में सब कुछ घर का भी कर रही है, मैं तो हर चीज़ करती हूँ, उसके बाद भी मैं पाँचों टाइम की नमाज पढ़ लेती हूँ, एंड अभी तो मैंने एक टाइम की आपको दिखाई थी, तो लेकिन अब ना टाइम से पाँचों टाइम की दिखाऊंगी, क्योंकि अब मुझे ना पता हो गया है ना कि लोगों को फिर रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ फ़ोन पे ही लगे हैं, एंड अदर लोग जिन्हें पढ़ना है या ऐसा कुछ और काम करना है तो वो कर रहे हैं। तो खैर, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कभी भी, क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल जो आपको अच्छा समझते हैं वो समझते हो, जो नहीं समझते हैं ना, हम चाहे कुछ भी कह ले कर ले वो नहीं समझते हैं। तो कभी ना हमें इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नो वरीज, बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी पसंद करते हैं, नो डाउट। तो यहाँ ना बातों बातों में मैं बर्गर्स भी दो रेडी हो गए, लेकिन बातों बातों के चक्कर में ना मैं यहाँ थोड़ी और वेजी रखना भूल गई। मैं सोच रही हूँ रख दो या ना रखूँ, रख देती हूँ ना खमखा वेस्ट होगी। मैंने कुछ पार्टी लिया एंड ये स्टेज ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने घर में, तो लगा देते ना खा तो ली जाएगी। तो ये हो गया, मैं यहाँ पे तो बहुत अच्छे से डर एंड अब ना एक अपना भी बना लेती हूँ। हाँ, शहरी में हो जाएगा। तो मेरे लिए डबल पार्टी बच गई, डबल पार्टी कैसे बच गई? हाँ, मैंने भी एक ही खाई, मैंने थ्री बनाया थी तो ये मेरी बच गई। तो अब जितना बचा हुआ सॉस है पोछ पाछ के अपने में लगा लेती हूँ। ये रहा, हो गया मैं कान डन, शहरी डन। अब बस इसके बाद मैं पढ़ूँगी ताजुद की नमाज। शायद यही चीज़ तो लोगों को पसंद नहीं आया ना कि इतना कुछ के साथ साथ नमाज भी होगी। वही तो मैं सोच रही यार, सिंगिंग की, दूसरे को रोस्ट करने की, लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, उसकी वीडियो डाल, कितना कुछ रहता है आप सब जानते हैं यूट्यूब पर, लेकिन सिर्फ नमाज देख के लोगों को बुरा लगा, तो ये चीज़ ना मुझे कुछ समझ नहीं है, थोड़ी सी कट गई, लेकिन ठीक है ना भाई। वो यार अपने में भी तो चीज़ लगा लूँ, रोज़ा तो मुझे ही रखना है, थोड़ा सा कैल्शियम एल्शियम भी तो मुझे चाहिए ना, तो ये तो मुझे चीज़ ही देगी, बाकी और लोग तो टेंशन देते हैं। तो जी यहाँ ना होगा हमारी यमी से बर्गर। तो अभी ना ये मैं सोच रही हूँ 30 सेकेंड का माइक्रोवेव और कर लेते हैं, फिर चलते हैं। फ्रेंड्स,
ये देखिए माशाल्लाह कितने सुंदर यम्मी बर्गर्स लग रहे हैं ना आज मेरे, तो बस ना अभी होने वाले हैं और ऊपर चलते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स ये रहे बर्गर्स, और बेड में भी पूरा क्लीन करके गई थी जैवी, दोबारा गंदा मत करना। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मैं नमाज की वीडियो डालती हूँ उसमें कुछ गलत है? मैं मतलब मैं अपनी रूटीन की वीडियोस डालती हूँ, तुम्हें पता है उसमें बीच में अगर नमाज पढ़ रही हूँ तो कुछ गलत है? वो तो डेली रूटीन वाली वीडियो है ना, उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? ऐसे तो लोग गाने लगा के नाच गाने कर रहे हैं, तो वो भी होना चाहिए। जैसे लोग हैं मतलब आजकल लोग, कोई बंदा अपना नमाज पढ़ के वीडियो डालता है वो गलत है, लेकिन वो कोई नाच गाना कर रहा उन्हें कभी कोई नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं। लेकिन ठीक है अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लोगों का, लोग पसंद भी करेंगे तो बुरा भी बोलेंगे, खैर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं और डालूंगी नमाज की वीडियो, क्यों उन्हें रियलाइज हो कि उन्हें भी पढ़ना है। लोग एक दूसरे की रील्स नाचने गाने वाली देख के सोचते कि यार मैं भी यार नमाज की वीडियो देख के शायद उन्हें ऐसा लगे कि मैं भी पढ़ूँ टाइम की, जब मैं पढ़ सकती हूँ तो और लोगों को भी तो पढ़ना ही चाहिए फिर, है ना? चलो अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बर्गर पे। ये इतना दो निकल गए, ये वाला मेरा है भाई। हाँ मैंने डबल पैटी ना, हाँ डबल पैटी है मेरा, तुम्हारा भी है डबल पैटी, मैं अकेले ही नहीं खाती। खा के पता है एक बाइट लेके कैसा है, पहले सिंगल खा लो। अच्छा जो भी खाना हो रहा है, शेरी के टाइम पे चल रहे हैं बर्गर्स। वो अपने ना कार्टून को डांट रहा है। तुम बताओ कैसे बने? फेवरेट है बर्गर, पैटी परफेक्ट है ना। चलो अच्छी बात, तो अब मैं भी खाती हूँ एंड अपनी शेरी करती हूँ। मेरा तो पहला बर्गर वंदना का था, आलू टिक्की वाला। तुम्हारा वंदना का इधर से है, लेकिन हॉट बाइट का था पहले, बड़े वाले सीजे सी के वहाँ पे जस्ट पहले हॉट बाइट खुला था। मम्मी के पापा के साथ जाते ना, मम्मी अगर जब पीटीएम में साथ में आती थी तो हॉट बाइट में खाते थे। मेरी नानी लेकर आती नहीं और पापा कभी कभी रेगुलर बेसिस पे नहीं, यार मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था मन्ना का बर्गर। सो फ्रेंड्स सैरी करने के बाद मैं आ गई थी अपनी ताजुब की नमाज पढ़ने के लिए। मैंने कोकोनट खोला, ये देखने में इतना छोटू सा था ना फ्रेंड, लेकिन माशाल्लाह पानी देखिए ऊपर तक भरा। तो ना अपनी आंखों से ना मैं बाहर से चीज़ें ना जज नहीं करना चाहिए, मिली ना एक नई सीख। तभी ना इसको निकालता हूँ, पीते हैं। मैं ना मोस्टली अब सैरी के टाइम नारियल पानी पी रही हूँ। मुबारक। सो फ्रेंड्स अभी ना क्या का टाइम हो रहा है सुबह के 5:22। देखिए मैं ना भी उठ गई हूँ, तो अभी ना पहले नमाज पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब नमाज पढ़ते हैं, फिर आपसे मैं लूँगी। ओके तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ ना आपको अच्छा लगे, एंड अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।